हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम कैसे किसी चीज़ को अनलॉक लॉक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी को अरेंज ऑब्जेक्ट में जाके बैक टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक इमेजेस है, ये वाली एक इमेजेस हमारी आ गई है। इसको आपने करना है, डबल क्लिक कर दिया आपने, ये आपकी इमेजेस इस टाइप से आ गई है। इस पर डिलीट कर दीजिए, चाहते हैं दूसरी लगाने तो ये आपकी इमेजेस यहाँ से आ गई। अनलॉक के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये आपका ये आ गया इमेजेस। देन आपने एक इमेजेस और ऐड करनी है, सपोज कीजिए ये इमेज आपने ऐड करनी है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये वाली, इस पे डबल क्लिक करना है खाली आपको, और उसके बाद आपने इसको यहाँ से जूम कर देना है। जूम करने के बाद आप क्या देखते हैं, ये आपकी इमेज इसके फॉरवर्ड में है, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गई है। अब क्या करना है आपने, इसको यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे चाहे शिफ्ट डाउन आप कर सकते हो, ये देखिए सेंड टू बैक कर देता हूँ। अब सेंड टू बैक करने के बाद आपकी ये इमेज जो छोटे वाली थी ये एकदम ऊपर आ गई है इस टाइप से, ये इस टाइप से एक इमेज आ गई है, ये हमने इसको जूम कर लिया इस टाइप से, ये देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम करके इधर कर लेते हैं, ये देखिए बड़ा कर लेते हैं इसको इस टाइप से, और इसको हम और थोड़ा सा इस टाइप से ले लेते हैं। अब क्या है, अगर इसको इसको आपको पीछे करना है तो यहाँ से जाइए, सेंड टू बैक कर दीजिए, ये देखिए ये इमेज आपकी सेंड टू बैक हो गई है, ये आपका डिजाइन आ गया है। इस तरह आप किसी भी चीज़ को ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीज़ें। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।